आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं गढ़ियाल न्यूज़ 24/7। मैं हूं आपकी मेजबान यास्मीन मंसूर। पहले नजर डालते हैं दिन भर की कुछ अहम खबरों पर। चीफ जस्टिस ने कुलगाम का दौरा किया, देर तामीर नए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स का मुआयना किया। डायरेक्टर जनरल ENS का बांडीपोरा का दौरा। डायरेक्टर JKETI ने बैक टू विलेज 4 प्रोग्राम के लिए जिला गांधरबल की तैयारियों का जायजा लिया और 10 रोजा EDP का भी इफ्तिताह किया। जबस्ताने अदब हदीपुरा रफियाबाद के अहतमाम से आज हनफिया मिडिल स्कूल रीबन रफियाबाद में एक रोजा अदबी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। अब पेश है खबरों की तफसील। जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस अली मोहम्मद मकरे ने आज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कुलगाम का दौरा किया और जेर तामीर नए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स का मुआयना किया और जायजा लिया। जस्टिस मकरे ने तामीराती अमल और मंसूबे की बरवक्त तकमील के हवाले से मौके पर ही कुछ हिदायत जारी की। जन अभियान प्रोग्राम के एक हिस्से के तौर पर डायरेक्टर जनरल एवोल्यूशन एंड स्टैटिस्टिक्स अथर कादरी ने आज जिला बांडीपोरा का दौरा किया और वहां ख्वाहिशमंद ब्लॉक तरक्याती प्रोग्राम के तहत उठाए गए तरक्याती इकदाम का जायजा लिया। शुरू में उन्होंने मुतलका मखमों के साथ मीटिंग में कई तरक्याती शोबों का जायजा लिया। मिनी सेक्रेटरियट बांडीपोरा के नए VC रूम में सेहत, तालीम, R&B, RDT, शीप हस्बेंड्री और दीगर मखमों की तरफ से किए गए कामों का भी जायजा लिया गया। जम्मू कश्मीर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर एजाज अहमद भट्ट ने आज जिला गांधरबल का दौरा किया और जन अभियान और बैक टू विलेज प्रोग्राम फेज 4 के तहत शुरू की जाने वाली सरगर्मियों का तफसीली जायजा लिया। डायरेक्टर ने इंस्टीट्यूट के लिए जन अभियान और बैक टू विलेज 4 के लिए तयशुदा अहदाफ का जायजा लिया और समाज के तमाम तबकात को शामिल करने के लिए एक तमाम जामा और भरपूर अंदाज अपनाने पर जोर दिया। भट्ट ने 10 रोजा एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम का भी इफ्तिताह किया जिसका इनेकाद JKETI डिस्ट्रिक्ट सेंटर गांधरबल ने किया था। ये प्रोग्राम बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल में तेजस्विनी रोजी रोटी स्कीम के तहत मुनक्किद किया जाता है और ये स्कीम मिशन यूथ हुकूमत जम्मू और कश्मीर की खसूसी कोशिश है। हमारे नुमाइंदे भट्ट मुजफ्फर की रिपोर्ट के मुताबिक जिला तरक्याती कमिश्नर कुपवाड़ा ड्योफोर्ट सागर दत्तात्रेय ने आज मुतलका अफसरों की मीटिंग बुलाई और जन अभियान के तहत पेशरफ्त का जायजा लिया। अजलास में एजेंडे के मुताबिक थ्रेडबेयर बहस हुई और इसके मुताबिक अफसरान को जिम्मेदारियां सौंपी गयी। हमारे नुमाइंदे मुस्तफा जमील की रिपोर्ट के मुताबिक स्कूल के तलबा को अपनी सलाहियतों को जाहिर करने और उनके खुद एतमादी को बढ़ाने के लिए एक प्लेटफॉर्म मुहैया करने के लिए आर्मी कैंप भागलपुरा ने जामिया इस्लामिया इंस्टीट्यूट वडीपुरा में सेंटर फॉर रिसर्च एंड पब्लिक पॉलिसी के ताउन से एक इंटर स्कूल डिबेट मुकाबले का इनेकाद किया। बहस का मौजू था यकसां तालीमी कैलेंडर और जमहूरियत बेहतरीन तर्ज हुक्मरानी का नमूना है। हमारे नुमाइंदे मुस्तफा जमील की रिपोर्ट के मुताबिक वस्ती कश्मीर जिला बडगाम के बदरन माखा में तहरीक असास अदबी और सकाफती अंजुमन गुलशन कल्चरल फॉर्म कश्मीर ने वजारत सकाफत हुकूमत हिंद के अहतमाम से आज 3 रोजा अदबी समनबल फेस्टिवल का आगाज किया। इस 3 रोजा फेस्टिवल के इब्तदाई तकरीब पर सरकर्दा अदबी मुअर्रिक अदीब शायर और कश्मीर यूनिवर्सिटी के कश्मीरी शोबे के साबिका सरबरा प्रोफेसर शफी शोक मेहमान खसूसी की हैसियत से मौजूद थे जिन्होंने इस फेस्टिवल का आगाज किया। इस इब्तदाई की सदारत मारूफ अदीब शायर और मुहक्किक प्रोफेसर फारूक फयाज ने की। मेहमान जी वकार की हैसियत से मारूफ अदीब शायर और कश्मीर यूनिवर्सिटी के कश्मीरी शोबे के साबिक सरबरा प्रोफेसर शाद रमजान मौजूद थे। सरकर्दा मुहक्किक और शायर रंजूर तिलगावी ने कलीदी खुतबा जबकि फॉर्म के सदर सईद बशीर कौसर ने इस्तकबालिया खुतबा पेश किया। फॉर्म के जनरल सेक्रेटरी और फेस्टिवल कोऑर्डिनेटर गुलशन बदरनी ने निजामत के साथ साथ फेस्टिवल के अग्राज व मकासद बयान किए।
तकरीब के आखिर पर फॉर्म के जनरल सेक्रेटरी गुलशन बदरनी ने मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। सामीनो हाजरी ने गुलशन कल्चरल फॉर्म कश्मीर की इस कोशिश को काफी सराहा। माहौल नहीं, एक अदबी फेस्टिवल, वो भी एक ज़ाती कावशों की वजह से शुरू हो रहा है यहाँ पर। ये बहुत बड़ा एक तारीखी इकदाम है और ये ऐसा इकदाम है जो और भी लोगों को मुतासर करेगा और इस तरह से हर इलाके में अदबी फेस्टिवल मुनक़द हो जाएगा। अगर ये इसमें पहल करेंगे तो बहुत सारी तंजीमें ऐसी भी हैं, इदारे ऐसे हैं जो चाहते हैं कि कश्मीर में सकाफती माहौल बहाल हो जाए, और मुझे उम्मीद है और पूरा भरोसा है कि गुलशन अदबी फोरम की कावशों की वजह से ये इकदाम कामयाब रहेगा। गुलशन कल्चरल फोरम तंजीम अदबी तंजीम सकाफती तंजीम मे बासान जन ऐसे मुख्तलिफ तंजीम ये तंजीम तमन तंजीमन हंद पाशि जबान तो कशि अदब के हवाल कफी काम कर मगर यह तंजीम ब्या सिफत या ब्या हसन ब्या वसफ जुशरस तहजीबस तो कशरस तमदनस मुतलिक वचि काम कर यानी कशरन अदबी मीरास तमदनी मीरासकाफती मीरास सु मीरास अवमी सतह पे वातनस ताम या सो फांफलानस ताम या सो रसरानस ताम कफी तगुदाव कर नंबर। पुलवामा जिला के शाहरा इलाके में महफिल बहार अदब अशाहरा मखमा यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स और जिला इंतजामिया के अहतमाम से आज शाह जहूर स्पोर्ट्स स्टेडियम तमला हॉल पुलवामा में शाहरा T20 नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट शुरू हुआ। टूर्नामेंट का अफ्तिताह जिला तरक्याती काउंसिल के चेयरमैन सईद बारी अंद्राबी ने इलाके के मुअज्जज शख्सियात की मौजूदगी में किया। इस मौके पर मुनक़िद तकरीब से खिताब करते हुए सईद बारी अंद्राबी ने कहा कि नौजवानों का खेलकूद की तरफ रागिब होना लाजमी है क्योंकि खेलकूद अब तफरी तक महदूद नहीं रहा बल्कि उसने अब पेशा वाराना मैदान में खास जगह हासिल की है। इस टूर्नामेंट में पुलवामा और शाहरा तहसीलों की 24 टीमें हिस्सा ले रही हैं और आज इफ्तिताही मैच SGCC तमला हॉल और टहाप टाइगर्स के दरमियान खेला गया जो कि तमला हॉल ने जीत लिया। मैन ऑफ द मैच मुदस्सर अहमद तमला हॉल करार दिए गए। हमारे नुमाइंदे खान जहांगीर की रिपोर्ट के मुताबिक असिस्टेंट डायरेक्टर फूड्स बारामूला के दफ्तर में कुछ नामालूम शर्ट पसंद दाखिल हुए और वहां मुलाजमीन को मारा पीटा गया और कपड़े भी फाड़ दिए गए। डीसी ऑफिस के हाथे में एहतजाजी धरना दिया गया ताहम हुकाम ने हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी कराई। दरअसल असिस्टेंट कमिश्नर बारामूला मुमताज अहमद ने इन मुलाजमीन से मुलाकात की और उन्हें मुकम्मल ताउन और यकीन दहानी कराई कि ये मुजरिम सलाखों के पीछे होंगे। हम आपकी नोटिस में लाना चाहते हैं, हम कोई मतलब सिविल लोग नहीं है, हम एम्प्लॉई सर, फूड एंड सप्लाई एम्प्लॉई सर, हम ऑनर करते हैं अपने ऑफिसरान की जो भी डिस्ट्रिक्ट में ऑफिसरान काम करते हैं। आज हमारे असिस्टेंट डायरेक्टर साहब पर हमला हुआ, कल किसी और ऑफिसर साहब पर हमला होगा, तो इसके लिए जो भी कल्प्रिट होगा हम उनको सजा चाहते हैं। आगे की कार्रवाई होगी एज पर लॉ हो जाएगी, लेकिन आपसे ये रिक्वेस्ट है कि हम वी हैव रजिस्टर्ड योर प्रोटेस्ट, आपने कहा कि थैंक यू सर, थैंक यू सर, तो देयर इज लॉ दैट विल टेक इट्स ओन कोर्स सर, तो आपसे रिक्वेस्ट यही है डीसी मैम की तरफ से कि यू जस्ट डिस्पर्स अवे पीसफुली। आप हमारे नुमाइंदे मुस्तफा जमील की रिपोर्ट के मुताबिक जबस्ताने अदब हदीपोरा रफियाबाद के अहतमाम से आज हनफिया मिडिल स्कूल रिबन रफियाबाद में एक रोजा अदबी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। कॉन्फ्रेंस की पहली नशस्त की सदारत मकबूल फेरोजी ने की। ऐवान सदारत में मुश्ताक अहमद मुश्ताक, गुलाम मोहम्मद दिलगीर, डॉक्टर बहार अहमद और गुलाम रसूल वगे
मौजूद थे। इस नशिस्त में सीरती मुकाबले में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले हनफिया मिडिल स्कूल रिबन रफियाबाद से ताल्लुक रखने वाली तलबाओ तलबात में तौसीफी असनाद तकसीम किए गए। तकरीबन स्कूली तलबा की तरफ से एक तराना भी पेश किया गया। इस नशिस्त की निजामत यास्मीन अहद और नजीर इब्न शहबाज ने अंजाम दिए। तकरीब की दूसरी नशिस्त की सदारत सदर अदबी मरकज कमराज मोहम्मद अमीन भट्ट ने की, जबकि डॉक्टर रफीक मसूदी, नायब सदर अदबी मरकज कमराज जावेद इकबाल मावरी, जनरल सेक्रेटरी अदबी मरकज कमराज शबनम दिलगामी, बशीर मंगलवालपुरी और शाकिर शफी भी ऐवान सदारत में मौजूद थे। इस नशस्त में अदब, सकाफत और सहाफत के शोबे में गरा कदर खिदमात अंजाम देने के सिले में मारूफ शायर मकबूल फेरोजी, शहनाज रशीद, डॉक्टर रफीक मसूदी, इलियास आजाद, निसार अजम, नाजिम नजीर, जिलानी कामरान, जमील अंसारी, जलील अकबर, नजीर इब्न शहबाज, यास्मीन अहद, शादाब यास्मीन, इशरत गुल, रियाज परवाना और गुलमीर लडोरी को एजाजात असनाद से सरफराज किया गया। तकरीब पर एक मुशायरे का भी इनेकाद किया गया। तकरीब के अख्तिताम पर डॉक्टर रफीक मसूदी ने मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। कमलन सर अकबर सर कदर की बोले आज रफियाबाद आर्मी की जानिब से पोहरपेट सेक्टर के जेरा तमाम गांव पंजाला में मेडिकल कम वेटरनरी कैंप का इनेकाद किया गया। मेडिकल कम वेटरनरी कैंप का मकसद रफियाबाद रीजन के बालाई इलाकों के मकामी लोगों को मियारी तिबी इमदाद फराहम करना था, जो अमूमन जदीद तिबी सहूलियात से महरूम है। हमारे नुमाइंदे आदिल अब्दुल्ला की रिपोर्ट के मुताबिक शुमाली कश्मीर के बानीपुरा के गुरेज इलाके में रिफ्यूजी कॉलोनी में मुनक़िदा एक मेगा बेदारी कैंप रिसर्च स्टेशन इजमर्क और मखमा सेरिकल्चर के इश्तराक से कॉलेज ऑफ टेम्परेट सेरिकल्चर के जरिए फंडेड प्रोजेक्ट रिफ्यूजी कॉलोनी भगतोर तरबल कंजर्वन के किसानों ने शिरकत की। इसके अलावा स्कॉफ्ट कश्मीर के साइंसदानों ने काश्तकारों को रेशम के ज़राअत के फवायद और गुरेज के इलाके में उसके दायराकार के बारे में आगाह किया। मेरा नाम रेहाना है, मैं रुकुजी से हूँ। हम इस प्रोजेक्ट के शुक्रगुजार है कि ये यहाँ पे पहली बार आया है और यहाँ पे जो चीज़ें बांट रहे हैं हम इसके बहुत शुक्रगुजार हैं। खुर्शीद है, मैं साइंटिस्ट हूँ शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। एक DST प्रोजेक्ट है जो मेरा यहाँ पे चल रहा है, DST फंड कर रहा है इसको, तो जो है सेरिकल्चर लाइवलीहुड सिक्योरिटी एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इन ट्राइबल एरियाज ऑफ कश्मीर। इसके तहत हमने गुरेज में पहली बार कोशिश की कि सरी कल्चर को हम मुतारिफ करें। खबरों का आज का शुमारा इख्तिताम को पहुंचता है। अपने इलाकों से आप भी हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स पर फीडबैक भेज सकते हैं। हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। तो दीजिए मुझे और मेरी टीम को इजाजत। शब्बा खैर।